तो न्यू ईयर आया, मन था कि क्यों ना इस ईयर कुछ खास बनाया जाए। 2021 रिमाइंड नहीं, वो तो सब बनाते हैं। और यही सोच करके कि कुछ अलग बनाना है, कुछ अलग बनाना है, हो गई थी 4 जनवरी। पर बनाने से पहले ये सोचना ज़रूरी होता है कि किसके लिए बनाऊँ, दोस्तों के लिए, फैमिली के लिए, आप लोगों के लिए, या फिर अपने लिए। और सोचा कि यार चलो इस बार कुछ अपने लिए बनाया जाए, अ वीडियो टू माई फ्यूचर सेल्फ। तो दोस्त या सर, मुझे नहीं पता कि तुम ज़िंदगी की किस दौड़ में अभी दौड़ रहे हो, पर अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बार रुक जाओ और ठहर कर अपने आसपास देखो, क्योंकि जो तुम समय जी रहे हो वापस नहीं आने वाला है। अब मुझे ही देखो, कॉलेज के 2 साल से भी ज़्यादा होने को आ गए हैं, पर अभी तक लगता है कि ये सब अभी तो हुआ था, नीट अभी तो दिया था, पापा के बोलने पर कि ग्वालियर का ही कॉलेज लेना है मैं अभी तो रोया था, फिर कोरोना आया, ज़िंदगी एकदम से चेंज हो गई, अपने सपने सच करने का मौका मिल गया मुझे, बस फिर क्या था। लेकिन अब तू ही देख, लगने से क्या हुआ, 2 साल की कॉलेज लाइफ का 1 साल तो तूने घर पर ही बिता दिया, हद नहीं है। धीरे धीरे मैं भी समझ रहा हूँ और तू भी समझ, 2021 बीत गया, 2022 भी बीत जाएगा। मैं यही सोच रहा था कि इतने मुझे ख्याल आया, न्यू ईयर आ चुका है, मन था कि क्यों ना इस न्यू ईयर पर कुछ खास बनाया जाए। 2022 रिमाइंड नहीं, वो तो सब बनाते हैं। और यही सोच करके कुछ अलग बनाना है, कुछ अलग बनाना है, हो गई थी 4 जनवरी।